मार्केट जैसा ब्रेड सूजी का घर पर आसानी से बनाए, बिना मैदा, बिना आटा, बिना सोडा और बिना बेकिंग पाउडर से इसे बनाकर तैयार करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि अल्लाह की दुआओं से आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज यहाँ पर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर बनाएंगे ब्रेड। ब्रेड तो पहले भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर बनाएंगे बिना सोडा, बिना बेकिंग पाउडर, बिना अंडे, बिना दही के बनाएंगे ब्रेड, और बिना मैदा, बिना आटे के। आप सोच रहे होंगे किससे बनाएगी ब्रेड? यहाँ मैं बनाऊंगी सूजी से। ये सूजी जो है नॉर्मल घर पे यूज किया जाता है उपमा वगैरह में। ये सूजी ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं है। यहाँ पर लेंगे रेगुलर वाला जो सूजी है, उसे इसी से ही बनाएंगे ब्रेड। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी सूजी 2.5 कप, 2 कप और आधा कप। इसे क्या करेंगे, लेंगे मिक्सी का पॉट में डाल लेंगे। 1 कप ले चुकी हूँ और यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे और 1 कप है, ये 2 कप और आधा कप लेंगे, और आधा कप इसमें डाल लेंगे। ये टोटल में 2 कप और आधा कप सूजी। ये रेगुलर वाला जो घर में यूज किया जाता है वही सूजी है। इसे आप जितना फाइन हो सके आप इसे पीस कर लेकर इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसे आप पीस कर लेकर आती हूँ। ये देखिए सूजी हमारा फाइन पीस चुका है, ये देखिए इस तरह का। और इससे अब इससे ज़्यादा जब फाइन करना चाहते हो और भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा महीन हो चुका है। देखिए अब इसे क्या करते हैं, एक पॉट पर निकाल लेते हैं। सारे सूजियों का पाउडर को निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, डाल लेंगे और कुछ चीज़ें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बस डालें, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा इसमें मिल्क पाउडर, 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर बाहर जो मार्केट में ब्रेड वगैरह मिलते हैं, सारे ब्रेड में मिल्क पाउडर डाला जाता है। तो मार्केट जैसा हम उसमें फ्लेवर लाने के लिए मिल्क पाउडर इसमें यूज किया जा सकता है, तो मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। नमक और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे साइड में रखते हैं, चलते हैं अगले स्टेप तरफ। यहाँ पर चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ा चुकी हूँ। 2 कप दूध लेंगे, दूध में डालेंगे थोड़ा सा चीनी। यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ 2 चम्मच। यहाँ पर पाउडर शुगर भी यूज किया जा सकता है, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। चीनी और तेल पर क्या होता है, जो ड्राई एक्टिव ईस्ट जो है वो एक्टिव होने में बहुत उसे मदद मिलता है। यहाँ पे सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी यूज नहीं करेंगे। मैदा, आटा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का डिब्बा आता है ईस्ट का, ड्राई एक्टिव ईस्ट, तो इसमें मैं लूँगी 1 चम्मच। ईस्ट डालने से पहले दूध को देख टेम्परेचर देख लेते हैं, बस इसका उंगली हमारा सहन कर सके, और ज़्यादा इसे गर्म नहीं करेंगे। चूल्हे को कर लेंगे बंद। अब इस पर डाल लेंगे ईस्ट। चूल्हे को बंद कर लिए हैं। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कितना ईस्ट जाएगा, तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून ईस्ट यूज करेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक लेंगे। इसे मिक्स करके इसे आप छोड़ देते हैं। इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं, थोड़ा ये एक्टिव हो जाए। इसमें अगर नमक यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने पर ईस्ट क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा समय ज़्यादा फूलता नहीं है। तो यहाँ हम लोग सूजी के आटे में नमक डाल चुके हैं, तो यहाँ पे इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये एक्टिव होने के बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, ये देखिए ये हमारा जो ईस्ट है एक्टिव होना इसका शुरू हो चुका है। तो इसे मिक्स कर लेके चलिए सूजी के आटा की तरफ चलते हैं। कैसे बनाते हैं ब्रेड? ये जो चीनी डाला जाता है, ब्रेड थोड़ी मीठी मीठी हो लगती है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर होता है उसका। तो चलिए ये जो एक्टिव वाला मिश्रण है दूध, इसे इस आटे के अंदर में डाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे इतना सारा दूध, ये तो बिल्कुल भी पतला हो जाएगा। देखिए चलिए आगे स्टेप में देखते हैं।
बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता से इसे मिक्स कर लेंगे। सूजी जो हमारी है ये बहुत ही प्यासी होती है, ये पानी जो है अब्जर्व कर लेता है, तो यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए ये आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे क्या करते हैं, आधे घंटे के लिए रेस्ट में रख लेते हैं। ये चिपचिपा सा बन के तैयार हुआ है। इसे आधे घंटे के रेस्ट में रखने के बाद में सूजी हमारा अच्छे से फूलने देते हैं। ये सूजी को महीन करना बिल्कुल ज़रूरत है। आप डायरेक्ट उस सूजी से नहीं बना सकते, क्योंकि ये ब्रेड जो बनेगा तो वो दाना दाना होकर झड़ जाएगा। तो ये जो है बहुत परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट है। आप ध्यान से देखिए, इस तरह से आप भी बनाएंगे तो आपका भी परफेक्ट बनेगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सॉरी मैं आपको 10 मिनट बोल दी गलती से, 2 से 3 मिनट इसे रेस्ट में रखेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। ये देखिए सूजी हमारा जो है पानी कितना सोक कर चुका है। अब इसे क्या करेंगे, चिपचिपा सा हमारा जो डो है इसे अब मस लेंगे। यहाँ स्लैब को मैं पोत चुकी हूँ, यहाँ तो मैं ग्लोव्स पहन लिए हैं, क्यों ये चिपचिपा सा जो है हमारा डो है। थोड़ा सा नीचे तेल डाल लेंगे, उसके ऊपर में ये डो डाल लेते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मसल लेंगे। पहले तो चिपचिपा ही रहेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता से ये मैदा की तरह दिखने लगेगा। जो सूजी है, आप सोच रहे होंगे पीस जाने पर तो ये मैदा ही हो जाता होगा, नहीं नहीं वैसी कुछ बात नहीं है। सूजी तो पीस जाने पर भी वो मैदा नहीं होता है। अब इसे क्या करेंगे, मसल लेते हैं। ये देखिए इसे मसलते हुए 5 मिनट हो चुका है। ये तो शुरू में चिपचिपा था, थोड़ा सा इसे देखिए स्लैब को छोड़ने लगा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा थोड़ा तेल एक एक चम्मच डालते हुए इसे मसलें। इसे आप पटकने का समय आ चुका है। इस तरह से पटक पटक के इसे थोड़ा सा अच्छे से गूंथ लेते हैं। थोड़ा सा इसमें तेल डाल लेते हैं और फिर से इसे मसलते हैं। ये देखिए इसे पटक पटक कर मसल मसल कर इसे 10 से 12 मिनट मसल लिए हैं अच्छे से। ये बिल्कुल भी छोड़ चुका है स्लैब को, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अब इसे क्या करते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें तेल ग्रीस कर चुकी हूँ। ये जो हमारा आटा है, ये डो को इस तरह से लड्डू बना लेते हैं। अब इसके अंदर में रख लेंगे, थोड़ा सा इसका ऊपर में ऑयल डाल लेंगे और इसे लगा लेते हैं इसका ऊपर में तेल, और इसे ढक कर छोड़ देते हैं। ये गर्मी का सीजन है, ये आधे घंटे या 45 मिनट में ये बिल्कुल भी फूल के तैयार हो जाएगा। तो इसे छोड़ देते हैं, 1 घंटे के बाद में मिलती हूँ। इसे ढक लेते हैं। देखिए 1 घंटे के बाद में इसका कंडीशन ये देखिए डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब इसका ऊपर में थोड़ा सा आटा छिड़केंगे, इसे पंच देंगे, इसका जो यार है ये निकल जाएगा। देखिए कितना जाली बना हुआ है और आसानी से भी निकल रहा है। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ साफ कर चुकी हूँ, थोड़ा सा आटा छिड़केंगे, ये डो जो है हमारा यहाँ निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसे मसल लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ जो ब्रेड वाला टिन है यहाँ पे मैं इसे तेल से ग्रीस कर लूँगी। इसे अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लें, इस तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर यूज करिए, मैं यहाँ पे सादा पेपर इसमें इसके अंदर में डाल लूँगी। और इसका ऊपर में भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, इसका ऊपर में भी थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। इस तरह से करने पर क्या होता है, ब्रेड हमारा आसानी से निकल आता है। अब इसे साइड में रख लेंगे। अब इसे थोड़ा सा ऊपर में भी थोड़ा सा आटा छिड़क लेते हैं और इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। कितना परफेक्ट बना हुआ है और कितना सॉफ्ट भी बना हुआ है। अब इसे हल्के हाथों से हल्का सा बेल लेते हैं। ब्रेड को जिस तरह से बनाते हैं ना, उस तरह से बना लेंगे, थोड़ा सा इसे बेल लेते हैं। इसका साइज नाप लेते हैं, बस थोड़ा सा इसे इस तरह से कर लेंगे।
हाथों से और थोड़ा सा दबा लेते हैं। बस इस तरह से कर लें, इस तरह से बना ली हूँ। यहाँ देखिए साइज में परफेक्ट है। अगर इसमें आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा आटा छिड़कते हुए इसे रोल करें, टाइट सा रोल करते हैं इस तरह से, टाइट सा रोल करें। ये अच्छे से रोल बन चुका है। इसका जो एंड वाला पार्ट है इसे थोड़ा सा चिपका लेते हैं इस तरह से, ब्रेड हमारा बिल्कुल भी ना खुले। तो ये जो बीज वाला पार्ट है इसे भी थोड़ा सा दबा लेते हैं और इसे परफेक्ट शेप दे देते हैं इस तरह से। थोड़ा सा और थोड़ा आटा डस्ट करके इसे कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ये बिल्कुल भी अच्छे से रोल हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो ब्रेड वाला टिन है इसका अंदर में इसे डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा दबा लेते हैं, इक्वल शेप में कर लेंगे, वरना कहाँ कहीं से उठा रह जाएगा, कहीं से दबा रह जाएगा। तो इस तरह से इसे सेम साइज का बना लेते हैं, दबा दबा कर इस तरह से कर लिए हैं। देखिए अब इसे क्या करना है, इसका ऊपर में थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे, वरना ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो इसे इस तरह से कर लेंगे। बहुत आसान सा रेसिपी है। मैं सोच रही थी सूजी का ब्रेड बना लेते हैं, आपके साथ में शेयर करूंगी। थोड़ा सा इधर से दबा रह गया है, बस इसे परफेक्ट कर लेते हैं। अब इसे क्या करेंगे, एक कपड़े से इसे ढक लेंगे और इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, और थोड़ा फूल जाए। फूल जाने के बाद में इसे बेक करेंगे इस तरह से। अब ढक कर छोड़ लेते हैं, 15 से 20 मिनट के बाद मिलती हूँ। 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब देखिए ये अच्छे से हमारा फूल चुका है। अब इसे क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेते हैं अच्छा कलर आने के लिए। आप चाहे तो इसमें रूम टेम्परेचर का दूध भी, दूध में थोड़ा सा चीनी घोल लें और इसमें ऊपर में लगा लें। अब इसमें क्या करें, आप चाहे तो इसमें कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे माइक्रोवेव पर बेक करूँगी। माइक्रोवेव पर कन्वेक्शन मोड पर पहले 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पर इसे कुक करेंगे, उसके बाद इसे 180 डिग्री पर 20 मिनट का कुक करेंगे। टोटल हमें इसे आधे घंटे का समय चाहिए। अब इसे मैं माइक्रोवेव पर रख लेती हूँ, इसे आधे घंटे के बाद में मिलती हूँ। ये आधे घंटे के बाद में ये परफेक्ट कलर आ चुका है। मैं बीच में फिर से इसका ऊपर में तेल लगा चुकी थी, थोड़ा सा ऊपर में भी तेल मार चुकी हूँ, लगा चुकी हूँ। अब इसे क्या करूँगी, तेल लगा लेने के बाद में इसे अब क्या करेंगे, ढक लेंगे। तेल लगा चुकी हूँ, एक गीले कपड़े से इसे ढक लेंगे। ठंडा होने के बाद में इसे डीमोल्ड करेंगे और इसे दिखाएंगे किस तरह से बन के तैयार हुआ है। ये एक घंटे में ठंडा होकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। मिलती हूँ एक घंटे के बाद में। एक घंटा हो चुका है, ब्रेड हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं, कितना सॉफ्ट बना हुआ है। अब इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकल आएगा। साइड से चाकू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना अच्छा से निकल आया है। देखिए कितना सॉफ्ट है। अब इसका जो ये वाइट वाला पेपर है इसे हटा लेंगे और इसे आप गलती से भी इसे बिल्कुल भी गर्म रहने पर बिल्कुल भी ना काटें। अब इसका टेक्सचर दिखाते हैं, इसे काट लेंगे। ये मोटे पतले अपने मर्जी से इसे कर सकते हैं। देखिए इस तरह से काट लेंगे इसे, जितना मोटा पीस रखना चाहते हैं आप कर रख सकते हैं और इसी तरह से स्लाइसेस कर सकते हैं। अब ये लग रहा है ना मार्केट की ब्रेड की तरह। ये देखिए इसका जाली भी देखिए पास से, कितना सॉफ्ट बना हुआ है, लग रहा है मैदा की ब्रेड की तरह। ये सूजी का तो बिल्कुल भी नहीं लगता है।
ये ब्रेड का रेसिपी आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।